बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ काफी अच्छा वीडियो जो कि आपके स्किन के लिए, तो इसको गर्ल्स एंड बॉयज दोनों यूज कर सकते हैं, कोई भी इसको यूज कर सकता है, बस 15 साल से ऊपर होने चाहिए तो इसको सब लोग यूज कर सकते हैं। तो ये आपको कब कब यूज़ करना है, कैसे कैसे यूज़ करना है और मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूँ मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये पतंजलि का एप्रिकॉट का स्क्रब है, तो ये अच्छा स्क्रब है और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये जो है मेरा थर्ड से फोर्थ वाला पैक है, तो मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, मतलब कि जब से पतंजलि आया है तब से ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसके बारे में बता देती हूँ, पतंजलि का फेस स्क्रब है ये, एप्रिकॉट का है विद वीट ग्राम एंड एलोवेरा, मतलब कि इसमें वीट ग्राम है और एलोवेरा है और ये फेस स्क्रब है। तो आप इससे अच्छे तरीके से फेस पे स्क्रबिंग कर सकते हैं। ये पतंजलि का है, आपको 60 ग्राम मिलेगा और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 1.5 साल है, मतलब 18 मंथ्स आपकी चलेगा और आप इसको यूज़ कर लोगे जल्दी से। और ये 60 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आ जाता है, 60 रुपीज़ में आ जाता है। 60 रुपीज़ तो हम यूँ ही हमें किसी भी चीज़ में खर्च कर देते हैं, तो आप 60 रुपीज़ का ये बाय करोगे तो आपके काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। आपको अगर स्क्रबिंग करनी है तो वीक में आप इससे 2 बार स्क्रब कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ आपको इसको यूज़ कैसे करना है। आपको सबसे पहले फेस वॉश करना है, किसी भी फेस वॉश से जो भी आप यूज़ करते हो अच्छा लगता है, आपकी स्किन को सूट करता है, उस फेस वॉश से फेस को वॉश कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जितना प्रोडक्ट आपके फेस पे लगता है उतना आप अपने हैंड पे ले लीजिए। उसके बाद में इसे हल्के हाथों से, जेंटली हाथों से आपको मसाज करनी है। ऐसा नहीं कि आप इसको रगड़ ही दो, अगर रगड़ोगे ज़ोर से तो जो आपकी स्किन है वो छिल जाएगी। तो इसलिए इसमें क्या है कि छोटे छोटे क्रीम होती है, क्रीम के साथ साथ में इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी जो गंदगी है उसको निकालने में मदद करता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा ज़ोर से इसको नहीं रगड़ना है, आपको सिंपली नॉर्मली तरीके से बहुत हल्के हाथों से, बहुत ही जेंटल हाथों से अच्छे से मसाज करनी है। तो आपको 10 से 15 मिनट आप इससे मसाज कर सकते हो, उसके बाद में अपने फेस को वॉश कर लीजिए। उसके बाद में आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, जो भी क्रीम यूज़ करते हो, वो क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या है कि इससे आपके जो डर्ट, पॉल्यूशन, धूल मिट्टी जो भी आपके स्किन में अंदर चला गया है क्या है कि वो रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। तो उससे आपकी जो स्किन है ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मेकअप करते हो, कहीं शादी पार्टी में जाते हो, तो आप अगर स्क्रबिंग कर लोगे 10 से 15 मिनट तो आपका जो मेकअप है, आप मेकअप अप्लाई कर रहे हो अपने फेस पे, तो वो क्या है कि वो काफ़ी डिफरेंट लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब कि जो लोग ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं उनकी स्किन क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि डल होती जाती है, उनकी स्किन में टैनिंग होती जाती है। तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ करोगे तो आपकी जो स्किन है वो क्या है कि ग्लोइंग बनी रहेगी और साथ ही साथ में जो अंदर से है वो भी, अंदर से जो सारी धूल मिट्टी पॉल्यूशन जो हमारी स्किन के अंदर चली गई है वो भी क्या है कि बाहर निकलेगी। बाहर निकलने से जो आपका ग्लो है वो भी आएगा, और अगर आप अंदर से पानी पियोगे काफ़ी सारा तो तब भी आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। तो इसके बारे में बता रही हूँ पतंजलि का एप्रिकॉट फेस स्क्रब, तो ये काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये एक फ्रूट है एप्रिकॉट, तो ये इसका बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है ये। और इसका जो जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर वो हार्श नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट पार्टिकल है, आपको इरिटेशन फील नहीं होगी। अब जब भी स्क्रबिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी स्किन से गंदगी निकल रही है और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो हार्श हो रहे हैं, हमारी स्किन में दर्द कर रहे हैं, वो दर्द नहीं करेंगे, हार्श नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सॉफ्ट है और जो गंदगी है उसको भी निकालने में मदद करेगा। ये मत सोचना कि ये पतंजलि का है तो ये अच्छा नहीं होगा, सच बता रही हूँ ये काफ़ी अच्छा स्क्रब है, आप इसको यूज़ करके देखो, ये अफोर्डेबल प्राइस में भी आता है, तो आप इसको एक बार यूज़ करके देखो। पतंजलि की ऐसा नहीं है कि सारे ही प्रोडक्ट बेकार हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो काफ़ी अच्छे, जैसे कि एलोवेरा जेल जो है पतंजलि का वो काफ़ी अच्छा है, और ये एप्रिकॉट का फेस स्क्रब ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये ट्यूब फॉर्म में आता है और ये प्लास्टिक का है, और इसकी जो कैप है वो भी प्लास्टिक की है, और एक
ट्रैवल फ्रेंडली है, मतलब आप इसको ट्रैवल में लेके जा सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, ये लीकेज भी नहीं होगा। और इसकी जो कैप है वो काफ़ी अच्छी है। और अंदर से मैं आपको इसको प्रोडक्ट को दिखा देती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा है। देख सकते हैं ये क्रीम क्रीम सा आपको दिख रहा होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ पास से। देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसा है, क्रीम है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, पर पार्टिकल्स आपको दिख नहीं रहे होंगे मैं, और ब्राउन कलर के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे दाने के जैसे हैं, तो वो आपको दिख नहीं रहे होंगे पास से। तो फिर भी अगर आपको दिख रहा है, वैसे तो आपको व्हाइट क्रीम जैसा ही दिख रहा है। छोटे छोटे पार्टिकल्स स्क्रब करोगे आप हैंड से, तो वो पार्टिकल्स जो है वो गंदगी निकालने में मदद करेंगे। तो आपको बहुत हल्के हाथों से मसाज करनी है। आप हैंड पे भी कर सकते हो, नेक पे भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप पूरी बॉडी पे स्क्रब करना चाहते हो तो कर सकते हो, और आपको ये काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाएगा। आप इसको परचेस करके देख सकते हो, बता ही दिया ये 60 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, अफोर्डेबल प्राइस में है, 1.5 साल आपके आराम से चल जाएगा। कि जो शेल्फ लाइफ है वो 1.5 साल है, और आप जितना इसको यूज़ करोगे उस हिसाब से ये आपके चल जाएगा। सिर्फ इसका आपको मिल जाएगा, और 60 ग्राम का पैक है तो काफ़ी टाइम तक आपके चल जाएगा। तो बता दूँ ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, और पतंजलि के स्टोर पे भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में कॉस्मेटिक जो शॉप होती है जिस क्रीम फेस वॉश पाउडर ये सब मिलते हैं, उस कॉस्मेटिक शॉप पर भी ये आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा स्क्रब है, आप स्क्रब ज़रूर किया कीजिए, वीक में 2 बार आप ज़रूर किया कीजिए। जैसे कि संडे और वेडनेसडे आपने चूज़ कर लिया, या फिर मंडे, या जो भी आपके हिसाब से आपको जब भी टाइम मिलता है, तो वीक में आप 2 बार यूज़ करना है इसको। 1 महीने में आपको इसको 8 बार यूज़ करना है, तो जिससे कि जो आपकी स्किन है वो एकदम साफ रहेगी, गंदगी निकलती जाएगी, और आपकी स्किन जो है वो अच्छी लगेगी। मेकअप करोगे तो भी आपकी स्किन जो है वो अच्छी लगेगी। तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, या जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके भी परचेस कर सकते हो। तो अगर आपको मेरे चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।